हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय क्लासरूम की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपकी मेंटोर ज्योति कश्यप नेशनल साइंस ओलंपियाड के क्लास 8 के 2018 और 19 के क्वेश्चन पेपर में से साइंस सेक्शन में से बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन ये डिस्कशन से पहले हमें गाइडलाइंस देखनी बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइंस अगर मिस हो जाएंगी तो पेपर में OMR शीट फिलअप करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए जल्दी से एक बार गाइडलाइंस को गो थ्रू कर लेते हैं। गाइडलाइंस कहती है कि आपको सिर्फ एडिशनल 10 मिनट्स ही मिलेंगे आपकी OMR शीट फिलअप करने के लिए, जिसमें आपका नाम, स्कूल का कोड, क्लास, रोल नंबर और मोबाइल नंबर बहुत ही क्लियरली फिल करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो मार्क्स है, रिजल्ट है या दूसरी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द एग्ज़ाम आपके मोबाइल नंबर पर शेयर की जाएगी। क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा? क्वेश्चन पेपर में लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन है, साइंस का एक सेक्शन है और अचीवर्स सेक्शन का भी एक सेक्शन है। तो अचीवर्स सेक्शन के जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मार्क्स के हैं, लेकिन बाकी के दोनों सेक्शन हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं दैट इज फॉर 1-1 मार्क्स ईच। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आपको कंपलसरी है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कैलकुलेटर्स परमिटेड नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का एक ही करेक्ट आंसर है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको क्या करना है, एक करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपको या तो HP पेंसिल या फिर ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से OMR शीट पर कुछ इस तरीके से मार्क करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो है B, तो आपने B सर्कल को बहुत अच्छे से मार्क करना है लाइक दिस, राइट। OMR शीट जो है इन्विजिलेटर को बाद में आपको रिटर्न करनी है और पर्सनल डिटेल्स जो स्पेस प्रोवाइड की गई है बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर आपको OMR शीट में फिल कर देनी है। So after this, let us go through the science section of National Science Olympiad paper 2018 and 19. Let's go for it. पहला क्वेश्चन कह रहा है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्या क्या है ऑप्शंस? डालापॉन, बुटेक्लर, मेलाथायोन, साइमेजीन, डाइसिस्टोन एंड गैमेक्सेन। इनमें से हमें बताने हैं कि कितने इंसेक्टिसाइड्स हैं। सो इन दीज डालापॉन, बुटेक्लर एंड साइमेजीन, डेफिनेटली ये तीनों इंसेक्टिसाइड्स हैं। सो आंसर हमारा हो जाएगा A, 3 आर इंसेक्टिसाइड्स। आंसर इज A. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Refer to the given figure and select the incorrect statement. Incorrect statement find out करनी है regarding the figure. तो ये जो figure है basically ये क्या बता रही है, different shapes of the bacteria. अगर bacteria circular shape का है तो वो होते हैं कॉकस बैक्टीरिया। अगर comma shape का बैक्टीरिया है so that is विब्रियो। If the bacteria is स्पाइरल शेप्ड तो हम उसे बोलेंगे स्पाइरिलम। और अगर जो बैक्टीरियम है वो रॉड शेप्ड का है, इफ इट इज रॉड शेप्ड तो हम इसे बोलते हैं बैसिलस, राइट। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। L, which is a coccus bacteria, it could be pseudomonas that helps in biodegradation of organic pollutants. जो pseudomonas होता है वो एक बैसिलस बैक्टीरिया है और यहाँ पर L क्या दिखाया हुआ है, कॉकस। सो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, राइट। बट आगे के 3 स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। M, which is a vibrio, could be vibrio cholerae that causes cholera in human beings. पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है। विब्रियो कॉलरा एक विब्रियो बैक्टीरियम है और वो कॉलरा कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। N could be ट्राइपोनेमा पैलिडम दैट कॉजेस सिफिलिस इन ह्यूमन बींग्स। सो ट्राइपोनेमा पैलिडम इज अ स्पाइरलम बैक्टीरियम, सो दिस इज करेक्ट। O could be lactobacillus that helps in curdling of milk. नाम से ही पता चल रहा है बैसिलस है, लैक्टोबैसिलस, जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल रहता है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो हमारा आंसर क्या हो गया? ए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, विच ऑफ द गिवन डिफरेंसेस आर इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच में. पहला डिफरेंस दिया हुआ है, दे आर नॉट इजिली सोल्यूबल इन वाटर, सो दे आर नॉट इजिली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. Roots of the plant, they absorb water and along with the water they absorb the inorganic nutrients. यहाँ पर ये organic nutrients हैं, easily dissolve नहीं हो पाते पानी के साथ, इसलिए इनको absorb करने में दिक्कत आएगी. So ये statement correct है. They are soluble in water and they are absorbed by the plants easily. Fertilizers inorganic material होते हैं, so they can be easily dissolved in water and with the water plants take up those minerals. अभी next statement बोल रहा है manures are inorganic substances. So this statement is wrong, क्योंकि जो manures हैं वो dead and decaying plants या animal body के decomposition से बनते हैं. So they will be having organic matter in them. तो ये organic substances होते हैं, inorganic नहीं होते. On the other hand, जो fertilizers होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी रॉन्ग हो गई पहली. सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Excess use does not harm the soil texture and they provide humus to the soil. So this is also right. Excessive use of fertilizers may change the chemical composition of soil and also pollute the water bodies. So this statement is again right for manures as well as fertilizers. Fourth देखते हैं, they restore the soil texture and helps in water retention. So because of their texture, वे soil texture को भी restore करते हैं और water के retention को भी restore करते हैं. So this is right. लेकिन fertilizers जो है soil texture को damage कर देते हैं. So this statement is also correct. Manures are nutrient specific. No, they are not nutrient specific. They have lots of nutrients, but it is not specific in one particular nutrient. तो ये statement भी wrong हो गई. These are not nutrient specific. ये बल्कि उल्टा है. Fertilizers nutrient specific होते हैं. We have specific fertilizers जो nitrogen, phosphorus या potassium में ज़्यादा मात्रा हो इनकी, नाइट्रोजन, पोटेशियम या फॉस्फोरस की. So out of all these differences which are given, हमारे difference 2 और difference 5 जो है वो incorrect है और हमें यही find out करना था. तो option में देख लेते हैं कहाँ है. So option A will be correct because A is carrying 2 and 5 difference, right? So answer would be A. This was interesting. अब देखते हैं next question क्या interesting चीज़ हमारे लिए लेके आता है. Identify the parts of female reproductive system from the given statements and select the correct option. Female reproductive system को हम यहाँ पर draw कर लेते हैं, right? See. Right? So this is ovary. This is oviduct या fallopian tube. This is uterus. This is vagina. Okay? अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है. P receives the sperms. तो P क्या हो गया? Vagina. It receives the sperms. Here zygote develops into a baby. Zygote baby में कब कहाँ पर develop होता है? Uterus में. So that's Q. Ovum gets fertilized here. ओवरी से ओवम निकलता है कहाँ पर? एंड इट वेट्स इन द ओविडक्ट फॉर द स्पर्म टू कम एंड फर्टिलाइज इट. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ओविडक्ट में. सो आर इज ओविडक्ट. इट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट्स. गैमीट कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी में. सो पी इज विजाइना. लेट्स सी, पी इज आइदर दिस कैन बी राइट और दिस कैन बी राइट. क्यू इज यूट्रस. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. R is oviduct and S is ovary. तो क्लियरली हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेबल्ड पार्ट्स W, X, Y एंड Z। तो पहले हम पार्ट्स को नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर W क्या है? W इज पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेट्स सी व्हाट्स X। X इज थायराइड ग्लैंड। Let's see what's Y. Y over here is basically adrenal gland. Okay, and last is Z. Z is clearly visible. That's pancreas. Okay, now deficiency of hormone released by W, that is pituitary, could result in retarded growth of the body. पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी तो बॉडी में रिटार्डेड ग्रोथ होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। हमें क्या देखनी है? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है? डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय एक्स यानी थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग चाइल्डहुड कुड कॉज mental impairment and reduced growth, whereas in adults it leads to reduced metabolism. तो ये भी ठीक है। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है थायराइड हार्मोन, और थायराइड हार्मोन की अगर कमी हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है चाइल्डहुड में, तो उससे बच्चे के अंदर मेंटल इम्पेयरमेंट होती है। और अगर यही अडल्ट्स में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो एडल्ट्स में रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म हो जाता है, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। सी स्टेटमेंट देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय वाई, वाई इज एड्रीनल ग्लैंड, could negatively affect the development of gametes and differentiation of secondary sexual characters in males and females. जहाँ पर भी डेवलपमेंट ऑफ गेमीट्स की बात होगी वहां पर गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन की बात होगी। गोनाडोट्रोपिन्स यानी FSH एंड LH हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सिक्रीट होते हैं फ्रॉम W दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ लिखा हुआ है Y, सो दिस वुड बी रॉन्ग। Deficiency of hormone released by Z that is pancreas may cause a rise in blood sugar या blood glucose level leading to condition called as diabetes mellitus. तो अगर Z से यानी पैनक्रियास से उसका हार्मोन रिलीज नहीं हुआ या उसकी डेफिशिएंसी हुई, और वो हार्मोन कौन है? इंसुलिन, राइट? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इंसुलिन ना होने की वजह से ब्लड का जो शुगर है या ब्लड का जो ग्लूकोज है वो ब्लड से सेल्स में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और डायबिटीज हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो आउट ऑफ द फोर स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट, हेंस सी इज द राइट आंसर। ओके, सो दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लेके आया है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करनी है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड एंड प्रिवेंट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय इट। सल्फर डाइऑक्साइड के बजाय अगर हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी है वो 200 टू 300 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब अगर एक जगह पर ऑक्सीजन होगा और उसी जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से 200 या 300 टाइम्स ज़्यादा जल्दी से किसको पकड़ लेगा? हीमोग्लोबिन को पकड़ लेगा और बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती हैं, उसमें से आपकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। लेड एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट could cause brain damage, ये भी correct है। Lead is very poisonous and it will lead to brain damage. Oxides of sulfur and nitrogen present in air could affect the lungs. This is also correct. Air pollution में जो हमारे pollutants होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ही maximum माने जाते हैं. So ये statement भी correct है. So कौन सा गलत statement हो गया? Only one. तो हमारा answer right कौन सा हो गया? A. Right? So this is easy. Let's go to the next question. Identify P, Q, R and S in the given Venn diagram and select the incorrect option regarding them. यहाँ पर भी incorrect option ही select करना है और Venn diagram वाले questions बहुत ही ज़्यादा interesting होते हैं, brainstorming होते हैं. Let's see. Bounded by double membrane. जो P है ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ हुआ एक सेल ऑर्गेनेल है और ये पी जो है इट शुड बी प्रेजेंट इन प्लांट सेल. तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है एक प्लांट सेल में जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है? लेट्स सी. पी जो है वो न्यूक्लियस भी हो सकता है, इट कैन बी माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, एंड इट कैन बी लेट्स से chloroplast, it can be chloroplast, it can be leucoplast, right, it can be any other chromoplast. या इन तीनों के बजाय एक वर्ड डाल देते, it can be any of the plastid, right. Now इसी statement से related यहाँ पर first statement है. देखो P could be, according to the question, P could be a colorless organelle that helps to store, preserve food in the form of lipid, carbohydrates or proteins. तो nucleus store नहीं करता food, mitochondria store नहीं करता. इन plastids में से chloroplast और chromoplast भी ये काम नहीं कर रहे, लेकिन leucoplast कर रहा है. तो इसका मतलब जो P है वो leucoplast हो सकता है. तो यानी ये स्टेटमेंट हमारी राइट होगी. हमें रॉन्ग स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है. अब देखते हैं क्यू क्या होगा. क्यू कुड बी एन ऑर्गेनेल दैट इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. और ये जो क्यू है ये सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होना चाहिए. और हमें ये चीज़ पता है कि जो सेंट्रोसोम होते हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते. सो इसीलिए क्यू वुड बी योर सेंट्रोसोम. दिस इज राइट, ये भी करेक्ट हो गया. अब हम देखते हैं आर क्या है. आर कुड बी एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल Organized as DNA along with proteins to form chromosome. मतलब ये कह रहा है कि R जो है न्यूक्लियस होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल होता है organized in the form of DNA and DNA is condensed along with histone proteins to form chromosome. ठीक है. अब R क्या है? R जो है वो प्लांट सेल में भी होना चाहिए और एनिमल सेल में भी होना चाहिए, लेकिन प्लांट सेल में और एनिमल सेल में आपका न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड नहीं होंगे यहाँ पे. सो यहाँ पर हम देखते हैं आर कैन बी न्यूक्लियस, आर कैन बी माइटोकॉन्ड्रिया, बट ऐसी और चीज जो प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट है, तो ये मैं राइबोसोम भी यहाँ पर लिख सकती हूँ, राइट. पर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम इट शुड, द आर इज नॉट बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. तो इससे ये और ये क्रॉस हो जाते हैं और हमारे पास बचता है सिर्फ राइबोसोम. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, क्योंकि आर जो है न्यूक्लियस नहीं हो सकता और यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि आर न्यूक्लियस होना चाहिए. सो आर वुड बी राइबोसोम एंड नॉट न्यूक्लियस. एस देखते हैं. एस शुड बी एन ऑर्गेनेल जो कि बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन भी हो, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट हो और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट हो. तो ऐसा तो सिर्फ आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि प्लांट सेल को भी एटीपी प्रोवाइड करता है. देखो क्या लिखा है, एस could be an organelle that produces energy currency of the cell, that is ATP, through cellular respiration. So that has to be mitochondria. तो ये भी ठीक है. तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई? सी. आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंटरेस्टिंग चीज हमें मिलती है। मैच द कॉलम, अगेन वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड लॉट ऑफ ब्रेन्स टू यूज इन। Match column 1 and column 2 and select the correct option from the given codes. And there can be more than one match for column 1. तो basically हमें यहाँ पर identify करना है कि जो column 2 में जितने भी organisms दिए हुए हैं उसमें से green algae कौन सा है, red algae कौन सा है, blue green algae कौन सा है और brown algae कौन सा है, right? So green, red and brown algae हमारे most primitive plants हो जाते हैं। तो देखते हैं green algae कौन सा है, Galidium, Chlamydomonas, Nostoc, Polysiphonia, Eulothryx, एनाबाइना, सार्गैसम एंड फ्यूकस में से जो ग्रीन एल्गे है उसके आगे मैं जी लिख देती हूँ, दैट हैज टू बी, लेट्स सी, क्लाइमेडोबनस इज ग्रीन एल्गे एंड यूलोथ्रिक्स इज ग्रीन एल्गे। रेड एल्गे देखते हैं, रेड एल्गे में आपका आ गया गैलीडियम एंड पॉलीसाइफोनिया। ब्लू ग्रीन एल्गे यानी साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे हमारे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे को मैं सी लिखती हूँ, नॉस्टॉक एंड एनाबाइना, राइट? एंड ब्राउन एल्गे में हमारे पास आ गए सार्गैसम एंड फ्यूकस, राइट? सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। इन द ऑप्शंस फॉर ए दैट इज ग्रीन एल्गे इट शुड बी 2 and 5। तो कहाँ पर लिखा है 2 and 5? दिस ऑप्शन कैन बी करेक्ट एंड दिस ऑप्शन कैन बी करेक्ट एंड इवन दिस ऑप्शन कैन बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं रेड एल्गे। रेड एल्गे में हमारे पास 1 होना चाहिए और 4 होना चाहिए। सो 1 and 6, 1 and 4, 1 and 4। सो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है। सो हमारा आंसर बी ही होना चाहिए। पर चलो आगे एक बार और देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे यानी साइनोबैक्टीरिया होना चाहिए हमारे पास, नॉस्टॉक एंड एनाबाइना, 3 and 6। सो यहाँ पर 3 and 6 है, करेक्ट। और ब्राउन एल्गे हमारे पास होना चाहिए 7 and 8, सो राइट। सो हमारा आंसर होगा बी। ओके, सो दिस वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify WXY in the given figure and select the incorrect option regarding them. तो फिगर क्या है? फिगर हमें दी हुई है काऊ की, जो कि एक ग्रास ईटिंग एनिमल है, जिनको हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। रूमिनेंट्स इसलिए बोलते हैं, इनका स्टमक जो है उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसको रूमेन बोलते हैं। द स्टमक ऑफ अ काऊ इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द 4 पार्ट्स आर रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एब ओमेसम, राइट? यहां पर W जो है वो है रेटिकुलम, ओके? X जो है दैट इज रूमेन एंड Y जो है वो है एब ओमेसम, ओके? नाउ क्वेश्चंस के, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्स इज अ चेम्बर वेयर पार्शियली च्यूड फूड इज स्टोर्ड टेम्परेरीली। जब काऊ फूड को च्यू करती है, ग्रास को या किसी प्लांट को च्यू करती है, तो अपना खाना जो है रूमेन में, सबसे पहले रूमेन में लेके जाती है, जहां पर खाना टेम्परेरीली स्टोर हो सकता है, और उस खाने को काऊ रीगर्जिटेट कर सकती है, वापस अपने स्टमक से अपने माउथ में लेके जा सकती है, राइट? सो एक्स is the chamber, rumen is the chamber, A is absolutely correct. W is the chamber which is often referred to as true stomach, which leads to small intestine. The chamber of the stomach which goes to the small intestine is Y, that is abomasum, जिसको आप बोलोगे true stomach. तो ये statement यहाँ पर wrong हो गई क्योंकि ये W नहीं है, ये Y है यहाँ पर, यानी abomasum है। X is a chamber where anaerobic bacteria help in breakdown of the cellulose. So X is rumen. Rumen is definitely that chamber जहाँ पर anaerobic bacteria होते हैं, जो कि plant cell के cell wall जो कि बनी होती है cellulose से, उस cellulose को digest करने के लिए helpful रहते हैं, right? So X rumen is right. C statement is correct. Why is the chamber where protein is digested with the help of enzymes? तो एबोमेसम में प्रोटीन डाइजेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गए। हमें फाइंड आउट करनी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो दैट इज बी। सो आंसर इज बी। देखो दिस इज द डायग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं र्यूमेन में पहले खाना गया, रिगर्जिटेट करके वापस माउथ में भी जा सकता है, या फिर रूमेन से जाएगा रेटिकुलम में, रेटिकुलम से ओमेसम और उसके बाद एबोमेसम, और एबोमेसम से इट विल गो टू द इंटेस्टाइन, राइट? सो आंसर इज बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। रेफर टू द गिवन फिगर्स शोइंग सीड या फ्रूट of 3 different plants. Select the option which contains plants that can replace X, Y and Z respectively based on the mode of dispersal of their seeds. X का जो seed है, एसर का seed लग रहा है ये, इसके wings हैं, so जिस भी seed के wings होंगे या बहुत ही light होगा, definitely वो dispersal करेगा wind के through, right? P साफ दिख रहा है, Y क्या है? P, तो इसमें डिस्पर्सल होता है बाय एक्सप्लोजन, राइट, फट जाना। एंड Z हेयर इज कैस्टर, जो कि इसकी शेप से पता चल रहा है कि ये ऐसा बनावट है कि एनिमल की बॉडी पे चिपक सकता है, राइट? सो दिस इज डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। तो अब देख लेते हैं एक्स यानी विंड डिस्पर्स्ड सीड्स यहाँ पर कैसे होंगे। अगर हम लोटस देखेंगे तो लोटस जो है वाटर के थ्रू डिस्पर्सल करता है अपने सीड का, कैस्टर देखेंगे तो एनिमल के थ्रू करता है, डैंडेलियन देखेंगे तो ये विंड के थ्रू डिस्पर्स करता है, मैंगो अगेन एनिमल्स के थ्रू करता है। तो एक्स जो है वो सी ऑप्शन डैंडेलियन करेक्ट बैठ रहा है। वाई में देखते हैं बीन्स जो है एक्सप्लोसिवली करती हैं डिस्पर्सल, राइट? कोकोनट देखते हैं, कोकोनट इज बाय वाटर। बैल्सम देखते हैं, बैल्सम इज अगेन बाय एक्सप्लोजन, राइट? एंड कॉटन इज अगेन बाय विंड। सो वाई जो है एक्सप्लोजन, सो यहाँ पर सी यानी बैल्सम इज करेक्ट। Z देखते हैं एनिमल्स के थ्रू सीड डिस्पर्सल कौन कराता है। अगर हम कैलोट्रोपिस देखें सो दिस इज बाय विंड, अगर हम एसर देखें दैट इज बाय एनिमल्स, ओके? अगर हम यूरिना देखें दैट इज बाय एनिमल्स, एंड मेज देखें दैट इज अगेन बाय एनिमल्स। तो हेयर एनिमल है, सो दिस इज सी is correct, right? So answer is C. Achiever section पर आते हैं। Achiever section का पहला question conservation of plants and animals chapter में से है। देखते हैं क्या है इसके अंदर। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पी क्यू आर एंड एस। स्पीशीज इंक्लूडेड इन द रेड डेटा बुक, अगर स्पीशीज इंक्लूड नहीं है तो वो होगी पी। पी देखते हैं क्या लिखा है, इट कुड बी वाइल्ड बुफेलो वेयर एज क्यू कुड बी चिंकारा, राइट? अब पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर है कि रेड डेटा बुक में इंक्लूड नहीं है पी, लेकिन वाइल्ड बुफेलो जो है वो एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। क्यू कुड बी गोल्डन लंगूर, क्यू क्या है? इफ इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, इफ इट इज येस, सो गोल्डन लंगूर जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। वेयर एज एस कुड बी, Whereas S could be passenger pigeon. Passenger pigeon extinct हो चुके हैं. So what is S? Endangered species नहीं है, लेकिन future में likely to become endangered species, अगर ये नहीं है तो S है. तो future में वो endangered कैसे बनेगी जो कि already extinct हो गई है, right? इसीलिए हमारा B option जो है most appropriate लग रहा है। आगे C और D भी देख लेते हैं। R could be Hawaiian crow. R is likely to become endangered in future, but Hawaiian crow is already endangered species. Whereas S could be Asiatic lion, but Asiatic lion again is endangered already. Q could be, Q is, which is endangered species. So Asiatic wild ass is endangered, whereas R could be Tibetan antelope. तो ये in future endangered नहीं है, ये already endangered हैं. So इसीलिए हमारा option B सबसे ज़्यादा appropriate है. Next question is from microorganisms. The given graph shows the blood examination report of Mr. X. What can be inferred about conditions of Mr. X? ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ में ये ब्लड सैंपल है मिस्टर एक्स का, जिसमें से दिस इज WBC और ये इसका नॉर्मल रेंज है. WBC जो है नॉर्मल है उसके ब्लड में. एंड इफ वी सी प्लेटलेट्स, सो प्लेटलेट्स भी बिल्कुल नॉर्मल है. लेकिन अगर हम RBCs देखें तो RBC का नॉर्मल रेंज ये है, लेकिन ये RBCs नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हुई हुई हैं. ठीक है, सो ब्लड सैंपल में प्लेटलेट्स और WBCs नॉर्मल है, लेकिन जो RBCs है वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हैं. तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं. मिस्टर एक्स इज अनीमिक. अनीमिक मतलब ब्लड जो है कम है या RBCs जो है वो कम है. तो ये तो पहले ही गलत हो गया. मिस्टर एक्स इज अनीमिक एज इज ब्लड RBC काउंट इज स्लाइटली more than the normal reference range. So more than the normal reference range तो है, लेकिन anemic नहीं हो सकता, right? Anemic means it should be less than the normal range. So this statement is incorrect. Mr. X lives in plains and has recently gone to some high altitude place where he has successfully acclimatized with the prevailing condition. ये हो सकता है. देखिए उसका प्लेटलेट्स भी ठीक है, उसका WBC भी ठीक है, तो इसका मतलब उसको क्लॉटिंग प्रॉब्लम नहीं है और उसके बॉडी में कोई इन्फेक्शन भी नहीं है. प्लेन में वो रहता था, प्लेन में ऑक्सीजन अच्छी खासी थी, लेकिन जब हम किसी माउंटेन रीजन पर जाएंगे तो वहाँ पर हाई अल्टीट्यूड की वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है एटमॉस्फेयर में वो थोड़ा कम होगा. तो बॉडी उस कम ऑक्सीजन से एक्लेमेटाइज करने के लिए जो बॉडी है वो RBC ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी ताकि ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो और वो एटमॉस्फेयर की जितनी भी ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट कर सके, राइट? तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है. मिस्टर एक्स इज सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन लाइक डेंगी एज हिज प्लेटलेट काउंट इज वेरी हाई. प्लेटलेट बिल्कुल ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. मिस्टर एक्स हैज़ डिलेड ब्लड क्लॉटिंग एंड कंटिन्यूज टू ब्लीड इवन फ्रॉम अ माइनर कट. ऐसा भी नहीं हो सकता. प्लेटलेट्स हमारा क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं और प्लेटलेट्स यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, इसीलिए क्लॉटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो गया. सो आंसर वुड बी बी, right? So this finishes with all the biology questions that came in the science section of 2018-2019 NSO paper. अगर ऐसे ही और informative videos आपको देखने हैं तो आप हमारी website पर login कर सकते हैं. आप Play Store से माई क्लासरूम के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर Facebook और Instagram पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं. और सेम NSO क्वेश्चन पेपर के जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको देखने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे मेंटर्स के साथ आप नीचे लिखे हुए लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहाँ पर भी जा सकते हैं. थैंक यू सो मच.